गुड मॉर्निंग एवरीबडी। चलिए आज हम आपको 2000 से लेकर 2019 तक की डेट निकालना बता देते हैं कि दिन को कौन सी तारीख थी। तो आपको बस इतना करना है कि ये जो हमारा पिछली वीडियो था उसको वॉच कर लेना है, उसमें आप देख पाएंगे। आज हम लोग 2000 से लेकर 2019 तक के प्रत्येक डेट को निकालना जानते हैं। 1/5/2000 को कौन सा दिन था, तो इसमें कुछ नहीं करना, तारीख में तारीख लिख देना है। और ये मंथ का कोड जो है 2 होता है, अर्थात मई का कोड 2 और 6। ये शताब्दी लिखेंगे क्योंकि इसमें डबल डो डिजिट लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें 0 कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो 3 प्रोसेस हुई, 4थी प्रोसेस ये हुई, 5वीं प्रोसेस होती, 4 से भाग देते हैं लिपोर्स निकालने के लिए। और यहाँ पे बस हमें करना है इन सारी संख्याओं को जोड़ देना है, 6, 2, 8, 1, 9, इसमें डिवाइड कर देना है। इसमें डिवाइड जो है कि कर देना है 7 से, इसमें 7 से डिवाइड कर देना है। और 7 से डिवाइड करने के बाद इधर हम लोग कर लेते हैं 9/7, 7 1 जा 7, 9 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 7 2 9, 2 2 बचा, 2 हम लोग देखेंगे किसका कोड है। 2 हमारा मिल रहा है सोमवार को, अर्थात इस दिन सोमवार होगा। आप चेक कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल से, ये डेट सही है। चलिए इसी तरह से एक और डेट निकाल लेते हैं हम लोग, 5/10/2000 को निकाल लेते हैं कौन सा दिन था। तो 5 डेट तो डेट ही लिखेंगे यहाँ पे, 5/10 यानी कि अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या होगा, अक्टूबर का कोड जो है कि अक्टूबर का कोड आपका होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अक्टूबर का कोड, अगस्त सितंबर, अक्टूबर का कोड 1 होता है, 1 लिख देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे, बल्कि 2000 में लास्ट वाली डिजिट लिखेंगे, 2 अंक तो लिखेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि 0 का मतलब 0 और 4 से भाग देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब सिर्फ हमें एक चीज़ लिखना हो, ये कि इसका कोड शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड 6 होता है, 6 लिख देंगे बस, इसे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे, 6 5 11 12 हो जाएगा। इसमें डिवाइड हम लोग दे देंगे 7 की डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा 7 5 12 होता है तो 5 आ जाएगा। तो 5 जो है गुरुवार का दिन होगा, आप देख सकते हैं 5 जो है गुरुवार का दिन होगा, यहाँ पे देख लेते हैं 5 5 गुरुवार का दिन है। आप इसे मोबाइल पे चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को भी, सही है कि गलत वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए और भी निकालते हैं, जो कहेंगे वो हम निकालेंगे। आपकी आपका कमेंट था कि 4/6/4/2001 को निकालते हैं, एक तरह सभी 1/2/1/2 करके सभी ईयर को हम लोग देख लेते हैं। 6/4/2001 का कैसे निकालेंगे, तो 6 को 6 डेट लिख देंगे, 4 अप्रैल, अप्रैल का कोड देखेंगे, अप्रैल का कोड क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, अप्रैल, अप्रैल का कोड 0 तो 0 लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद 2001 में लास्ट वाली डिजिट बची है तो लिख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट की 2 डिजिट लिखते हैं, 2 अंक, क्योंकि उसमें 2000 में 0 0 था तो नहीं लिखते थे, इसमें है 1 तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसका कोई लीप ईयर वर्ष ही नहीं होता है, नहीं होगा, तो इस वजह से ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हुए इसका शताब्दी कोड लिखेंगे, 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है, 6, अब इसको ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पे 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 हो गया। अब 13 में हम दोस्तों 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 7 1 7 7 2 9 14, 7 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 1 यहाँ पे 7 होता है। और इसे ऐसे कर लेंगे, 7 5 7 6 13 होता है, 7 6 13 होता है, 7 मतलब 7 6 13 होता है, 7 5 12 7 6 13 6 तो 6 देखेंगे कौन सा दिन आ रहा है, 6 चूँकि शुक्रवार आया है, 6
शुक्रवार आया है, आप इसे भी देख सकते हैं मोबाइल में कैलेंडर जाकर, 6 शुक्रवार होता है कि नहीं होता है। इसी तरह आगे और करते जाते हैं हम।